व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक। स्वागत है गाइस आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल एम बी पी जोन वाई टी के एक और नई वीडियो में। तो गाइस, ये आर्क सर्वाइवल वर्ल्ड का थर्ड पार्ट है। और पहले तो पार्ट में हमने ये घर वगैरह बनाए थे और हमारा लेवल अप हो चुका है, 17 18, ठीक है। तो गाइस, हम इस वीडियो में बनाएंगे राफ्ट। तो ये लेवल 16 पे अपनी राफ्ट अनलॉक हो चुकी है। और ये कुछ चीज़ें बना लेते हैं, ये पाइप वगैरह भी हमारे काम आएंगे। क्योंकि आगे चल के हम मतलब भाई बैरीज वगैरह लगाएंगे, तो पाइप वगैरह हमारे काफ़ी काम आने वाले हैं। ये एक हमने जानवर पकड़ा है, मतलब डायनासोर। तो यार भाई लोग, वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कर दो यार, और इससे पहले के दो पार्ट अपलोड है तो जाके देख लो। अभी देखिए, कुछ चीज़ें बनाना है अपने को, और राफ्ट बनाने के लिए हमें चाहिए लकड़ी, फाइबर और थैच। ये देखिए, काफ़ी चीज़ें हो चुकी है, अब बना लेते हैं अपनी राफ्ट। ये बन चुकी है। ना थोड़ी सी देर है। और आगे चल के गाइस, अब जब थोड़ा और लेवल अप हो जाएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे और नए नए डायनासोर पकड़ेंगे। तो देखना हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करेंगे, तो ज़रूर बनाएंगे आगे भी वीडियो। यहाँ पे अब देखो, अपनी राफ्ट अपन यूज़ कर लेते हैं। ये बन गई है। ये हमने इसको हटा दिया है, सेल को। अब हम इसे वही बनाएंगे, फाउंडेशन वगैरह लगाएंगे और इस पर घर बनाएंगे। और ऑफलाइन सर्वर में इसीलिए राफ्ट पे घर बनाना की चाहता हूँ मैं, क्योंकि भाई अपन सिंगल रहते हैं तो कहीं भी इसे लेके जा सकते हैं। क्योंकि आप किसी जगह पे घर बनाते हो, आप बेस बनाते हो, बेसिकली बेस बनाते हो, तो आपको हंट करने या किसी चीज़ डायनासोर को टेम करने या कहीं भी नोट्स वगैरह ढूंढने कहीं भी आप जाओगे, तो आपको वापस उसी जगह पे आना पड़ता है। लेकिन आप राफ्ट पे अपना बेस बनाओगे तो इसे आप लेके कहीं भी जा सकते हैं, पूरे वेस्ट को लेके जा सकते हैं, आपके पास सारी चीज़ें रहेगी आपकी, और अच्छा रहता है भाई, मज़े आ जाते हैं। अभी हमें देखो नीचे फाउंडेशन लगाने के लिए बनाना पड़ेगा काफ़ी सारी चीज़ें, तो देखो बना लेते हैं हमें। देखो एक पिलर बना लेते हैं, दो पिलर, चलो तीन बनाते हैं। और दो हमने फेंस बना के रखी है, फेंस फाउंडेशन, और तीन पिलर बना लिए, ठीक है। अब वुडन फाउंडेशन अपने पास है 12, तो
तो देखो बनाते हैं आप ये वॉल। अब देखिए एक मिशन है जिसमें आपको वुडन फाउंडेशन बनाना है। ये देखो अब ये मिशन भी अपन ने चालू कर लिया है और इस पर अपन फाउंडेशन बना लेंगे तो ये अपना मिशन कंप्लीट भी हो जाएगा और अपना फाउंडेशन भी बन जाएगा भाई। तो देखो इसे जो ये सेंटर में है ये मोटर जैसा लगा हुआ है हैंडल, ये देखो ये सेंटर, इस पर बस आपको एक फेंस फाउंडेशन लगाना है, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए ठीक है। अब इसमें आगे एक पिलर लगा दो और उसके बाद में आप फाउंडेशन लगाओ तो देखिए फाउंडेशन एकदम नीचे लगेगा जिससे हमारी राफ्ट काफ़ी अच्छी बनती है, काफ़ी अच्छा फाउंडेशन लगेगा। अब इसे पहले तोड़ दीजिए, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। देखिए कितना शानदार बना है। और ऐसे ही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना यार और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ये देखिए फाउंडेशन तो बन गया है, अब हमें दीवार वगैरह बनाना है। कितनी शानदार राफ्ट बनी है। अभी इसमें हमें गेट सीलिंग और वॉल वगैरह सारी चीज़ें लगाना पड़ेगा। अभी इतने सारे फाउंडेशन बचे हैं इसे हम निकाल के रख देते हैं। फेंस फाउंडेशन भी बच गया इसको भी रख देते हैं, पिलर बच गया उसको भी वापस रख देते हैं, अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा थोड़ा बैट कम हो जाएगा और हम दूसरी सारी चीज़ें लेके और फिर उनसे भी बना सकते हैं। तो ये डोर और डोर फ्रेम देखिए राइट में लिखा हुआ है बिल्ड डोर एंड डोर फ्रेम, तो ये हमारा मिशन है। तो हम फटाक से लगाते हैं। और मैंने एक साइड कम लगाया इस साइड, ये आपको बाद में पता चलेगा अगर आप अगली वाली वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस साइड क्यों लगाया डोर को। वॉल बना लेते हैं। वे डोर वाला मिशन कंप्लीट हो गया, अब बचा है रूफ बार। तो मैं पीछे रूफ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा बड़ा बनाना है इसीलिए। अब देखो काफ़ी बड़ी राफ्ट हो गई अपनी, नीचे का बेस काफ़ी बड़ा हो गया। और बेस बड़ा है तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें रखने को मिल जाएगी इस पर। ये देखिए मिशन तो कंप्लीट हो गया, हमारा लेवल अप भी हो गया। इस पर हम स्टोरेज वगैरह सेट कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ से ना सारा ये जो हमारी चीज़ें पड़ी है रिसोर्सेस ये सारी लेके हम राफ्ट पे रख लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे नए आइलैंड पे। और गैस हम जिस आइलैंड पे जाने वाले ना वहाँ पे काफ़ी सारे डायनासोर है लेकिन एक भी डेंजर डायनासोर नहीं है। और वहाँ पे व्रोंटो भी मिल जाएगा, एंकलो भी मिल जाएगा और एंकलो को टेम करने के बाद में उससे हम माइनिंग कर सकते हैं जिससे हमें काफ़ी सारा मेटल मिलेगा और मेटल काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो फिलहाल में क्या है कि हमें सिर्फ लेवल अप करने पे सोचना है। हम ऊपर नहीं चढ़ पा रहे, बेट काफ़ी हाई हो गया। तो
तो हमने यहाँ पे नीचे बुट फेंक दिया, अब ऊपर चढ़ जाएंगे वापस बुट को उठा लेंगे, तो हम ऊपर तो आ गए। लेकिन हम स्टोरेज बॉक्स वगैरह सेट करके और सारा जो भी है इन्वेंट्री उसमें डाल देंगे। ये देखिए 3 तो लग गए, 4 लग गए, हमारी इन्वेंटरी में खाली कर देते हैं। ये देखिए काफी अच्छी लगती है। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इससे पहले के 2 पार्ट चैनल पे अपलोड है, तो अगर आप चाहो तो जाके देख सकते हो। और गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।